XZ प्लस ऑप्शनल वेरिएंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसके टाटा फेमस है सेफ्टी के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 स्टार सेफ्टी है, जो कि आप इसको सिर्फ चला के फील कर सकते हैं। मैं एक छोटी सिटी में रहता हूँ जबलपुर, जहाँ पर एक्सीडेंट आमतौर पर होते रहते हैं, लोग स्क्रैच मारते रहते हैं, पर इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसे कभी लगा नहीं कि मुझे बहुत कमज़ोर गाड़ी है। इसके सेफ्टी के कारण, इसकी हैवीनेस के कारण हमें इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है, जो कि आप अगर इसको 100 प्लस में भी क्रूज करेंगे तो आपको कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। ये हो गई बात इसकी सेफ्टी की। अगर हम इसकी दूसरी बात करते हैं, जो इंडियन दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, माइलेज और एवरेज, तो ये क्या है? कंपनी तो ऐसे 19.70 का क्लेम करती है, पर ये एवरेज सिटी में अराउंड 15-16 के MPL दे देती है। और अगर हम बात करें इसके हाईवे की, तो ये 20-21 दे देगी। तो रिव्यू की अगर हम बात करें, तो गाड़ी मेरी 7000 किलोमीटर चल चुकी है। और अगर हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, तो सबसे पहले हम देखेंगे लुक्स। इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसे बहुत ही फास्ट और स्मूथ लुक देता है, शार्प लुक दिखता है, मस्कुलर दिखाता है। इसके जो अलॉय व्हील्स हैं, जो कि आप देख रहे हैं, आम हैचबैक दूसरी हैचबैक कंपेयर करें अगर हम शिफ्ट i20, तो इनके मुताबिक थोड़ा ब्रॉड है और थोड़ा बड़े हैं। ये जो है हमें R16 इंच के हमें टायर साइज मिल जाता है। लुक्स जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा। एक्सटीरियर की बात करें तो इसकी मेन हाईलाइट देखें तो जो डोर है इसका 90° ओपनिंग है, जिसमें आपको बहुत ही ईजी होता है कोई भी अंदर या बाहर आने के लिए। और इसके जितने चारों डोर हैं, चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। अगर हम इसके बात करें इंटीरियर की, तो सबसे पहला ध्यान जाता है इसके मीटर पे, जो कि हमें हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग मीटर मिल जाता है। डिजिटल में हमें बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे डिस्टेंस टू MT, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और इसमें हमें पावर टॉर्क रेशियो, और इसमें अगर हम ओके प्रेस करेंगे तो हमें सर्विस रिमाइंडर, क्लॉक और एक्सेट्रा, ये सब हम चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम इस बात कर रहे हैं इसके फ्लोटिंग डिस्प्ले की, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो सेटअप एक्सेट्रा, एम्बियंट लाइटिंग और बहुत कुछ। इसका जो विंडोज़ है, इसका जो पूरा सिस्टम है, हमें बहुत ही प्रीमियम फील देता है। आप इसको पूरा देखेंगे तो कॉकपिट डिज़ाइन है जो कि हमें बहुत ही प्रीमियम फील देता है। अगर हम बात करें इसकी स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग में आपको दोनों साइड माउंटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन, फोन, यहाँ क्रूज कंट्रोल। बात करें कि इसके ग्लव बॉक्स की, काफ़ी ही बड़ा मिल जाता है हमें ये, कि बहुत ही यूज। इसमें अंदर एक लाइट भी दी गई है और हमें कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ AC चालू करने पे हमारा वर्क करेगा। अगर हम इसके बात करें गियर, तो हमें 5 गियर मिल जाते हैं इसमें, एंड ऑटो AC मिल जाती है, एक USB सॉकेट मिल जाता है, एक 12V चार्जर मिल जाता है, और इसमें हमें इको और स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। अगर हम सिंपल ही बोला जाए, इको मोड फॉर अगर हमारे जल्दी, मतलब फॉर बेटर माइलेज, और सिटी मोड जो कि हमारा नॉर्मल यूजेस रहता है, जिसमें हमें फुल पावर आउटपुट मिल जाता है। जो हमारी सीट है वो 6-way एडजस्टेबल है, जो कि अप एंड डाउन, आगे पीछे सब हो जाती है। अगर हम इसके अब हम इसकी बैक सीट पे आ गए, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। इसमें लेग रूम तो काफ़ी मिल जाता है। तो दोनों हाइट सीट्स हैं वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है। मेरी हाइट अराउंड 6 feet की है। आप इसमें हेडरूम देख सकते हैं, तो मतलब डिसेंट है बहुत। मेरे हिसाब से 6 feet से टॉल लोग आजकल कम ही रहते हैं, तो मेरे को तो कंफर्टेबल है। इसमें लेग रूम बहुत मिल जाता है। हाई सपोर्ट इसमें ओके, मतलब आपके लॉन्ग रन ड्राइव के लिए बहुत सही रहेगा ये। और ये इतनी ब्रॉड है कि जिस कारण से आपको 3 लोग यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे यहाँ पर AC वेंट्स भी दिए गए हैं, कि पीछे के लोगों को आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। पीछे AC वेंट्स दिए गए हैं, ट्विटर दिए गए हैं दोनों गेट्स पे, आपको आर्मरेस्ट दिया गया है जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी कंफर्टेबली बताएगा। अगर हम बात करें इसके डोर फंक्शन की, तो 4 विंडोज अप एंड डाउन मिल जाती हैं आपको। मिरर के लिए वो मिल जाता है, ठीक है, लॉक मैकेनिज्म मिल जाता है। यहाँ पर विंडोज़ को लॉक अनलॉक करने के लिए आपके पास ये स्विच मिल जाता है। ये टॉप मॉडल है, तो इसमें स्टार्ट स्टॉप फंक्शन मिल जाता है आपको। यहाँ लाइट्स कंट्रोल, यहाँ वाइपर कंट्रोल, और ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको जो भी एक हर गाड़ी में रहती है वो। अगर हम इसका साउंड क्वालिटी चेक करें, तो मैं आपको साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। टाटा में हारमन का म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। तो आइए आप भी देखिए। हम अगर इसका साउंड क्वालिटी चेक करें, मैंने अपने फ़ोन को एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट किया है, जिससे आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा फ़ोन का सेटअप जो है वो आ जाएगा। ये जिसका फ्लोटिंग सिस्टम है, ये थोड़ा लैगी फील करता है कई बार। वैसे तो इसमें अपडेट आ गया है, अब देखते हैं कंपनी वालों ने तो मुझे फ़ोन किया नहीं है, और जब भी करते हैं मैं चेक करता हूँ। इसमें अगर हम साउंड चेक करें, तो मैं NCS की सॉन्ग बजा लेता हूँ। ये इसका मीडियम है,
साउंड सिस्टम देखते हैं तो बहुत ही मतलब बेहतर आपका एक्सपीरियंस देगा, जो कि ये आप बहुत ही कम लोग होंगे जिसको फुल वॉल्यूम में सुनेंगे। मैं तो मेनली इसको 9-10 पे ही सुनता हूँ। अगर हम बात करें इसकी रिवर्स कैमरे की, तो आप इसका देखिए रिवर्स कैमरा मतलब ओके ओके, पर इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, अडाप्टिव स्टीयरिंग कंट्रोल मिल जाता है आपको। आप जिस तरफ भी स्टीयरिंग टर्न करेंगे उस तरफ आपको आपका गाड़ी किस तरफ जाएगी पूरा आपको दिख जाएगा। और ये जो कैमरा है आप इसको नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ गाड़ी जब चालू रहेगी तब भी। अभी मैं न्यूट्रल पे हूँ पर रिवर्स कैमरा अभी भी इसका चालू है, आप देख सकते हैं। कई बार हम कैसे एक बहुत ही कंजेस्टेड प्लेस में जाते हैं जहाँ पर आपको पीछे देखना होता है, तो ये बहुत ही, और ये बहुत ही वाइड है दूसरी गाड़ियों के कंपेयर करें तो। हम बात करते हैं इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने। जैसे इसमें आपको गियर इंडिकेटर दिख जाएगा कि गियर कब कैसे कौन सा गियर चल रहा है। अगर हम इसको हायर आरपीएम पे हैं तो ये शो करता है गियर चेंज होने। अब हम इसकी अगर क्विक ब्रेकिंग करें तो इसकी जो ब्रेकिंग है वो बहुत ही बेहतर है, मतलब जितना गाड़ी का वेट है उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। इस गाड़ी का जो सबसे बेस्ट पार्ट रखता है वो लगता है इसका टर्निंग। ये टर्निंग में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होती है और हाई स्पीड में आपको इतना कॉन्फिडेंट फील कराएगी कि जो आप सोच नहीं सकते। आप में लोग बोलते हैं इसमें पिकअप की कमी है, पर एज कम्पेयर टू अगर आपकी पहली गाड़ी है तो मेरे हिसाब से आपको फील नहीं आएगा कि गाड़ी में पिकअप की कमी है। जैसा आप देख रहे हैं कि गाड़ी टर्निंग में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सिटी में गाड़ी चलाना ये बहुत ही ईजी है। अगर आप गाड़ी को मतलब आपको चाहिए कि गाड़ी मतलब बहुत ज़्यादा पिकअप ले या बिल्कुल आपको ड्रैग रेस टाइप की गाड़ी है तो शायद ये आपको मतलब कई पॉइंट से प्रॉब्लम दे दे। पर अगर इसकी आप हाई स्पीड की बात करते हैं या इसकी क्रूजिंग की बात करते हैं तो मैंने इस गाड़ी को कंटिन्यू इन वन शॉट मैंने 350 किलोमीटर चलाया है, वो भी अराउंड 100, 120, 150, 160 एट मतलब हाई स्पीड पे। तो मुझे कभी इस गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं लगी कि मुझे कुछ कमी लग रही है या उसका पिकअप कुछ प्रॉब्लम है ना। ये गाड़ी जो है बिल्कुल बेस्ट है और बेस्ट ही परफॉर्म करती है। टाटा है, इसका जो मेन चीज है इसकी वजन, जो इसका वेट इसे बहुत ही प्रीमियम दे देता है, प्रीमियम गाड़ी बना देता है। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ये सिटी मोड पे चल रही है तो सिटी मोड पे मतलब आपको नॉर्मल ही गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी पूरा स्पेस। इकोनॉमी मोड पे कर लें तो आपको एक साउंड आएगा, इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, जिसमें गाड़ी जो है वो उतना पिकअप नहीं लेती है पर गाड़ी आपको काफी बेहतर पेट्रोल एवरेज माइलेज आपको दे सकती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से लॉन्ग ड्राइव पे ही सूटेबल है। जब अगर आप 80 या 90 पे ही क्रूज कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा जल्दी है, अगर आप ट्रिपल डिजिट पर चला रहे हैं गाड़ी तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वो नहीं रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं तो एवरेज दिखा रहा है वो 15.4, ये सिर्फ सिटी का एवरेज है और गाड़ी थोड़ा ज़्यादा ही देती है। मैंने टैंक टू टैंक तो नहीं करके देखा पर मुझे जितना समझ में आया कैलकुलेशन से उतना मुझे ये समझ में आता है गाड़ी अराउंड 15-16 का एवरेज दिखा देती है। गाड़ी का जो सबसे बेस्ट चीज़ रहता है वो है इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इसकी स्टेबिलिटी। अगर ये गाड़ी आप ले रहे हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इसको टर्निंग्स पे चलाने के लिए, माउंटेन्स में चलाने के लिए, मतलब ये गाड़ी आपको कभी निराश नहीं करेगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। तो गाइस मैंने इसके सारे ही पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, इसके प्रोस इसके कॉन्स इसकी जो भी चीजें हैं मैंने बता दी। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है या आप किसी स्पेसिफिक वीडियो में पॉइंट्स में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।